और लास्ट टाइम मैंने इधर ही फ़ोटो खिंचाया था मेरा, तो मैंने सोचा कि रिक्रिएट करते हैं वो मोमेंट। सो यस, वी आर स्टैंडिंग एट इंडो पाक बॉर्डर। सो कॉन्स्टेंट 2 घंटे बाद राइड करने के बाद हम लोग आए हैं होंडर। बट यस, लुक एट दिस व्यू मैन, इससे प्यार हो गया सच में। सो भाई अभी हम लोग हैं डिस्किट में और इधर बज रहे हैं 10:59 और अभी जाएगी लाइट। चल 10 लाइट चली गई। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इट्स योर रॉयल डी सी विथ हिज न्यू व्लॉग। सो यस, अभी रेडी हो गए, 9 बज रहे हम लोग निकल गए तुरतुक के लिए। बट मौसम हो रहा है ख़राब, बारिश दिख रही है 1 बजे तक तुरतुक में। अगर कुछ ज़्यादा हुआ तो दिखते हैं, बट अभी के लिए यस वी आर निकल रहे, हम लोग निकल रहे हैं। देन ये रूम अभी हम लोग छोड़ रहे हैं और इधर एक नीचे रूम है, उधर जा रहे हैं। वो आंटी है, उन्हें रिक्वेस्ट किया इधर के ये रूम उन्होंने भूल से किसी और के लिए भी बुक कर दिया था, तो आप इफ़ नीचे आ सकते हो, हम आपको रीजनेबल प्राइस में दे सकते हैं। तो हमने बोला यस क्यों नहीं, आएंगे। देखते हैं आज, अभी मौसम आपको सामने दिख रहा है कितना ख़राब हो रहा है। सो लेट्स सी। सो हेलो, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज है day 12 ऑफ आर लेह लद्दाख सीरीज। अभी हो रहे हैं 9:30 और हमने हमारा रूम शिफ्ट कर लिया। मैंने आपको बोला कि वो आंटी से थोड़ी गलती हो गई थी, सो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा रूम शिफ्ट आप कर सकते हो, तो मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, चलो कर लेते हैं। सो यस, वो तो हो गया। अभी हम लोग निकल रहे हैं तुरतुक की तरफ, लेकिन यार वेदर थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, इसलिए मुझे रेनकोट भी पहनना पड़ा कि शायद कोई जगह पर बारिश तुरंत गिर जाए तो हम लोग भीग ना जाए। बट वो सब चीज़ें तो खैर चलती रहेगी। बट यार ये रोड सबसे ख़राब रोड्स है। मतलब ये पता नहीं अभी आगे ऐसा रोड कितना है, क्योंकि जो सेम यही रोड डिस्किट आते टाइम भी मिला था और अभी आगे भी वही रोड है, क्योंकि ये रोड बड़े बन रहे हैं, ब्रॉडन हो रहे हैं, तो इसलिए पूरे रोड को तोड़ के रखा है। बट यार क्या ही कहना अब इस बात पर। बट यार एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी, तुरतुक की तरफ का जाने का रास्ता बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अलग है। मतलब सिंगल रोड है, आप ऐसे अभी तो आप ऐसे पहाड़ को लग लग के जा रहे हो, बट जब आप आगे जाओगे तो ऐसा होगा ना कि आप पहाड़ों के, 2 बड़े बड़े पहाड़ है आपके बाजू में और उसके बीच में से आप लेके जा रहे हो, सामने पहाड़ है, तो मतलब वो बहुत ही सिनेमेटिक सीनिक व्यू हो जाता है। सो यस, एंड पाकिस्तान की बॉर्डर पर जा रहे हैं, इंडिया के लास्ट विलेज पर जा रहे हैं, तो उसका भी मज़ा एक अलग है। एंड एक और चीज़ है, जब मैं 2022 में आया था तब हुआ क्या था कि तुरतुक जाने में हमको बहुत टाइम लगा था कि यार कब आएगा। बट जैसे ही हम लोग तुरतुक से वापस आ रहे थे होंडर की तरफ, तब यार ऐसा हो गया कि जैसे चुटकी बजाते ही हम लोग इधर आ गए। मैंने बोला सही है भाई, बस अभी आगे जा रहे हैं तुरतुक की तरफ। तुरतुक अभी भी कुछ 70 किलोमीटर जैसा तो बाकी होगा, क्योंकि जस्ट राइड स्टार्ट किया। तो यस, तुरतुक इधर से है कुछ 40 किलोमीटर्स, मतलब थाम 40 किलोमीटर्स है। सो या आपको मैं व्यू बताता हूँ मैं किधर खड़ा हूँ। ये ब्रिज लास्ट 2 साल से बनी रहा है, अभी तक बना नहीं, सेम कंडीशन, सेम रोड, कुछ भी हुआ नहीं, कोई भी नई चीज़ हुई नहीं है इधर। तो या अभी इधर आगे ट्रैफिक जाम हुआ है, पता नहीं क्यों, कुछ क्रेन से कुछ काम चल रहा है। और जैसे मैंने बोला था कि बारिश गिरने की संभावनाएँ है, ये है बारिश, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, उल्टा गर्मी हो रही है हमको इतना सारा पहन के। सो गाइस, हमने ये ब्रिज क्रॉस कर लिया जो मैंने आपको बोला कि 2 साल से बन रहा है। बट पता है BRO का काम सीरियसली बहुत ही अमेजिंग है। मतलब हमें लगता है कि शायद यहाँ काम सिटीज जितना ही आसान होगा, या कि रोड्स क्यों बनते जा रहे हैं इतने सालों से हमारे। बट यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो गिरती है, एक्सट्रीम रेन्स होती है, लैंडस्लाइड्स होती है, उसकी वजह से ये रोड वॉश आउट हो जाता है बहुत, और बार 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 मतलब रोड्स बनाने पड़ते हैं। एंड सच में मैं बोलूँ, मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आता कि यार ये लोग इधर काम कैसे करते हैं। लाइक मैंने एक YT वीडियो देखा था, उसमें मुझे पता चला था कि ये लोग बिहार से आते, उधर से इधर काम करते हैं। और इधर एक्सट्रीम टेरियंस में हम लोग की जब हालत पतली हो जाती है, लाइक ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कि आप ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड पे हो तो ज़्यादा उछल कूद मत करो कि आपकी सांस फूल जाए, और ये लोग इधर इतना भारी भारी सामान लेके जाते हैं। लाइक
हर बार जब मैं मतलब एवरी टाइम जब मैं ऐसे ब्रिजेस पर से निकलता हूँ, बहुत सारे ब्रिजेस आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको होगा भाई ये बताया तुमने कैसे, तो सच में यार ऐसी चीज बीआरओ ही बना सकता है और कोई नहीं। सो हैट्स ऑफ टू बीआरओ एंड सीरियसली यार मेरी रिस्पेक्ट बीआरओ के लिए बहुत ही है, क्योंकि ऐसी जगह पे हम लोग को अगर समझो कि गुजरात को उमलिंगला से कनेक्ट कर दिया, मतलब इट्स अमेजिंग अमेजिंग सच में। एंड आज का वेदर भी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल था, सुबह एकदम बारिश वाला माहौल था एंड अभी अचानक से धूप आ गई है, तो मतलब लगता है कि लद्दाख है ना हर सीज़न हमको एक ही दिन में दिखाता है। और सो अभी तुरतुक इधर से 40 किलोमीटर है, तुरतुक विलेज इधर से 40 किलोमीटर है, बॉर्डर पाकिस्तान के उससे भी आगे है, मतलब 18-20 किलोमीटर होगी उससे आगे। सो यस अभी हम लोग खड़े हैं कोई तो एक जगह है उधर जहाँ पे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आ रहे हैं, माउंटेन्स अच्छे हैं, और लास्ट टाइम मैंने इधर ही फ़ोटो खिंचाया था मेरा, तो मैंने सोचा कि रिक्रिएट करते हैं वो मोमेंट। सो यस उधर से जा रही है रिवर एंड हम लोग को अभी आगे से ब्रिज क्रॉस करके जाना है वो साइड। सो मोस्टली मेरा अंदाज़ ऐसा है कि तुरतुक इधर से होगा 10 किलोमीटर और थांग होगा और 20, तो मतलब 30 किलोमीटर और जाना है, 45 मिनट्स का और रास्ता होगा। तुरतुक के रास्ते की बात कुछ और ही है, ज़बरदस्त रास्ते यार, मज़ा आ गया। तो गाइस हम लोग अभी रुके हैं इधर टैक्सी में, जो एक रिकवरी पोस्ट आती है जहाँ पे सब कुछ लिखाना है, हमारा नाम, बाइक नंबर एंड ऑल। सो यस अभी हमने तुरतुक विलेज क्रॉस कर लिया है, चेक पोस्ट पे भी हमारी एंट्री करा ली और अभी आगे जो स्टॉप आएगा वो होगा इंडो पाक बॉर्डर थांग विलेज, जो भी इधर से 18 किलोमीटर दूर है। सो यस थांग विलेज काफ़ी खास है, मैं आपको थोड़ा उसके हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूँ। सो थांग विलेज पहले तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट इनहेबिटेड विलेज है अपने इंडिया का और ये पाकिस्तान के बॉर्डर से, जैसे मैंने बोला इंडो पाक बॉर्डर बहुत ही करीब है और पाकिस्तान की बॉर्डर आपको नेकेड आई, मतलब पाकिस्तान आपको नेकेड आई से दिखेगा। सो थांग विलेज का जो हिस्ट्री है ना वो कुछ बहुत यूनिक हिस्ट्री है। थांग विलेज 1947 के बाद पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ तक नहीं थी। 1971 में जब हमारी इंडो पाक वॉर हुई तब ये हिस्सा हम लोग ने हमारे कंट्रोल में ले लिया और उसके बाद से ये हमारी बॉर्डर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया। और ये जो गांव का रूट है वो एक टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट होता था सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच। देन एक और इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पता चली थी जब मैं इसके बारे में रिसर्च करा था वो है इसकी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, मैन वो 11th सेंचुरी में बनी थी और इधर के जो तवांग मॉन्क्स थे उनके द्वारा वो इस्टेब्लिश की गई थी और ये लोग है ना बाल्टी कम्युनिटी करके के उनसे बिलोंग करते हैं, मतलब टिबेटियन और आई थिंक सेंट्रल एशिया, मैंने जितना पढ़ा था उससे मैं आपको बता रहा हूँ, उससे ये लोग बिलोंग करते हैं। और इस गाँव में अभी भी ऐसे कस्टम्स हैं जो ये लोग पुराने ज़माने से अभी भी फॉलो करते हैं और इनका कल्चर, इनका अटायर ये बहुत ही मतलब अलग है बाकी सब लद्दाखी रीजन से। देन ये लोग एक और यही चीज़ जो मुझे पता चली थी वो थी कि मुस्टाके मशरूम का हार्वेस्टिंग करते हैं और ये इनके रीजन का मतलब कमाने का यही जरिया है, ये सबसे ज़्यादा उनका लोकल इकोनॉमी बूस्ट करता है। सो यस आप अगर लद्दाख में जाओगे ना तो आपको बहुत सारे अलग अलग विलेजेस मिलेंगे जो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करते हैं, सो उनमें से ये एक है। सो बात करते करते हम लोग आ गए थांग, बस 5 मिनट ही है जैसे इंडो पाक बॉर्डर, तो आपको इंडो पाक बॉर्डर भी एक्सप्लोर कराता हूँ, पाकिस्तान कैसे दिखता है इंडो पाक बॉर्डर थांग विलेज से वो भी आपको बताता हूँ।
सो यस वी आर स्टैंडिंग एट इंडो पाक बॉर्डर अगेन. लास्ट वॉक में भी, लास्ट टाइम जब आया था तभी बोला था कि वी आर स्टैंडिंग एट बिकॉज ऑफ आर इंडियन आर्मी. सो जय हिंद टू आर इंडियन आर्मी. बाकी इधर खड़े नहीं हो सकते थे. सो यस, ये जहाँ से भी जितना रास्ता जाता है इधर तक वो पूरा है LOC. एंड सामने आपको जो इधर से दिख रहा है वो है पाकिस्तान. यहाँ से आपको जो जो जिधर तक दिख रहा है वो है पाकिस्तान. एंड बीच में जो ये जगह दिख रही है वो है LOC. सो यस, देव गुरु ने बायनोक्यूलर्स से व्यू ले लिया पाकिस्तान बंकर का. मैंने तो लास्ट टाइम देखा था तो मैंने नहीं लिया है, बस कि तिरंगा ऐसे ही ले रहा था रहे हमेशा. या अभी हम लोग निकल रहे हैं थ्याक्षी या कोई जगह पे रुकेंगे खाने के लिए. सो यस हेलो, हम लोग ने मस्त अभी लंच कर दिया. ये है बिल हमारा. सो यस, अभी निकल रहे हैं हुंडर के लिए फटफट से. एंड उधर से जाएंगे डिस्किट. सो कैसा है ध्रुव आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया. सबको अभी होम सिकनेस होना चालू हो गई है, ये जगह ही वैसी है. सो यस, हमने अभी इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर साइट सीइंग कर ली. थ्याक्सी में लंच भी हो गया. अब हम लोग हुंडर सैंड ड्यून्स की तरफ निकल रहे हैं. एंड थांग बॉर्डर की बात करें तो थांग बॉर्डर अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन में है. आई थिंक जो टूरिज्म उसके लिए कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो. सो यस, अभी भी पोरबू विलेज का व्यू देखने में बहुत ही मजा आता है, बहुत ही ब्रेथ टेकिंग व्यू होता है. पोरबू विलेज में आपको बताऊं तो वो पाकिस्तान की साइड लास्ट विलेज है. सो यस, अभी हम लोग निकल रहे हैं. एंड रास्ते में मैं अभी सोच रहा था कि आपको मैंने कभी ये बात नहीं बताई या ये डिस्कस नहीं किया, बट यहाँ पे आप जब आते हो ना तो इधर ब्रिजेस जो है वो वुडन के बने हुए, प्रॉपर कंस्ट्रक्ट ब्रिज है बट वो लाइक सीमेंटेड ब्रिज नहीं होते. तो क्या कि आप जब बाइक लेके जाते हो तो आपको फील आता है, शेकी शेकी फील आता है, और नीचे से शोक रिवर एकदम फ्लो में जा रही होती है. तो मतलब जेन्युइनली बोलूँ तो बहुत डर लगता है वो चीज़ देख के. बट कोई नहीं, वो तो BRO ने बनाया तो उसका कोई गुंजाइश नहीं है कि वो ख़राब हो गया टूट जाएगा. बट उसमें एक चीज़ है कि वन व्हीकल एट अ टाइम, मतलब एक ही व्हीकल जा सकता है. अगर बाइक से तो चार बाइक या दो बाइक जा सकती है, बट ऐसे बहुत सारे व्हीकल कंटिन्यूस नहीं जा सकते. सो यस, एंड रोड्स की बात करें डिस्किट से तुरतुक तक का, तो एज ऑफ 2024 रोड्स काफ़ी अच्छे हैं. कुछ ऑफ रोड पैचेज है लेकिन ओवरऑल मैनेजेबल है. और एक बात का ध्यान ना रखना, तुरतुक में आओ तब आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा. थ्याक्सी में सिर्फ और सिर्फ BSNL का नेटवर्क मिल सकता है, पर ये श्योर नहीं है, मतलब पक्का नहीं है कि मिले ना भी मिले. मुझे नहीं मिला था बट मुझे नेटवर्क दिखा रहा था. सो अब प्लान ऐसे करना, लाइक आपको अगर आ रहे हो तो घर से बता के जाना कि आज शाम को ही बात होगी आप. देन सेकेंड थिंग है पेट्रोल, तो डिस्किट से पेट्रोल भरा लेना क्योंकि यहाँ पे कोई भी पेट्रोल पम्प नहीं मिलेगा. ब्लैक में मिल सकता है बट आई डोंट नो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो या लाइट टाइमिंग्स भी मैं आपको बता देता हूँ. लाइट टाइमिंग्स है मॉर्निंग 5 to 8 और इवनिंग 5 to 10 लाइट्स होती है. उसमें आप अपना चार्ज कर लो, अगर मोटो ब्लॉगर्स हो तो अपने कैमरास चार्ज कर लो, सारी चीज़ें चार्ज करो क्योंकि फिर लाइट चली जाएगी, तो फिर आप चार्ज नहीं कर सकते इस टाइम के बाद. ओके, आप इधर आ रहे हो तो ये सारी टिप्स नोट कर लेना. सो यस, हुंडर अभी भी 40 किलोमीटर्स है इधर से, मतलब अभी हम लोग ने जो ऑफलाइन मैप डाउनलोड किया उसमें देख रहे तो उसमें बताया. सो चलो वहाँ पहुँचते हैं और कुछ स्नैक्स खाते हैं क्योंकि यार बहुत भूख लगी है. स्नैक्स में मतलब मैगी ही होगी हमारी.
सो कांस्टेंट 2 घंटे बाद राइड करने के बाद हम लोग आए हैं हुंडर। हम लोग जस्ट हुंडर रुके एंड हुंडर ने हमारा स्वागत ऐसे किया है सैंड स्टॉर्म से। या सो गाइस, कैसा लगा तुरतुक? मज़ा आ गया, मस्त। इधर मैगी वैगी खाई और ध्रुव और देव उधर जाके आए अभी और मैं इधर बैठा था क्योंकि मुझे इतना चल के जाना नहीं था। मिनी कोट ना इधर तक खाली, ये एरिया तक, फिर इधर से नहीं। सो यस, बिस्किट से अभी सॉरी हुंडर से अभी निकल रहे बिस्किट के लिए जो सामने दिख रहा है 7 किलोमीटर है। पहले जाते हैं मोनेस्ट्री एंड देन जाते हैं स्तूपा। सो ये हम लोग 5 मिनट के लिए होटल आए थे कि जैकेट और टैंक बैग रख लेते हैं तो क्या मॉनेस्ट्री अच्छे से घूम पाए। और इधर का माहौल कुछ ऐसा है, सैंडस्टॉर्म चालू हो गया है। तो गाइस यस, आ गए हम लोग बिस्किट पर एंड खाली अब वेदर देखो आसपास। अभी ऊपर थोड़ा और जाके बताता हूँ, आई जरा बारिश थोड़ा बहुत गिरना चालू हो गई है। एंड लुक एट दिस, लुक एट दिस ब्यूटी। जस्ट अमेजिंग। नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि हवा बहुत ही चल रही है, बहुत ही तेज चल रही है। आपको बता नहीं सकता, आपको अगर विंड नॉइज आ रहा हो तो आपको पता चल रहा होगा। बट यस, लुक एट दिस व्यू मैन, इससे प्यार हो गया है सच में। बिस्किट में और कुछ नहीं बट इससे प्यार हो गया है सही में। तो गाइस ये है बिस्किट मॉनेस्ट्री जो अभी फिलहाल बंद हो गए क्योंकि हम लोग थोड़े लेट हो गए आने में। बट या कोई नहीं, अभी फटफट से होटल जा रहे हैं हमारे गेस्ट हाउस क्योंकि ठंड बहुत ही है और हम हमारा जैकेट लाना भूल गए हैं। सो यस अभी निकल रहे हैं हम लोग वापस हमारे हॉस्टल गेस्ट हाउस के लिए। बहुत ही ठंड बढ़ गई है, मतलब लिटरली मैं अभी शिवर कर रहा हूँ इतनी ठंड, क्योंकि पता नहीं मैं
क्या सोच के मैं मेरा जैकेट नहीं लाया और बस ऐसे ही आया। और फिर इधर जो पार्किंग जो जहाँ पे अपनी टिकट लेते हैं उन्होंने बोला कि भाई आपको ठंड नहीं लग रही। मैंने बोला लग तो रही है पर अब क्या करें, आ गए तो देख लेते हैं। सो यस, फटाफट से जाते हैं रूम में, बीमार ना पड़ जाओ बस इतना देखने, क्योंकि खांसी बहुत ख़राब हो गई है। बढ़िया। सो यस, रूम पर वापस आ गए। आज हमारा रूम नया है, वो कल वाला अलग था आज वाला अलग है। सो मेरी एक बहुत बड़ी गलती कि मैं जैकेट पहन के नहीं गया, भूल गया मतलब। बढ़िया, आ गए रूम में, अभी गर्म पानी से नहा लेते हैं, विक्स लगा लेते हैं तो सेट हो जाएगा। सो या मैं मस्त नहा धो के आ गया गर्म पानी से, एकदम पैर वैर गर्म पानी में रखे क्योंकि मैं भूल गया था जैकेट। बट अभी एकदम फुल टू रेडियो के बैठे अपन। एंड अभी हम लोग कर रहे हैं ट्रांसफ़र हमारे फुटेजेस, क्योंकि इधर लाइट चली जाती है 11 बजे, 5 बजे आती है, 11 बजे लाइट चली जाती है, टिप 11 बजे, और सुबह 5 बजे आती है और 8 बजे तक रहती है, फिर चली जाती है। सो यार कल सुबह निकलना है 6 बजे हम लोग को, तो जल्दी उठना पड़ेगा। तो अभी सब एकदम सेट वेट करके ही रखा है, दूर जैसे ना क्या है, सारी चीज़ें सेट करके रख के सो जाएंगे जल्दी। सो या होप सो कि आपको डिस्किट पसंद आएगा, होप सो कि आपको लास्ट वाला व्यू पसंद आएगा। सच बताऊँ ये सेकेंड टाइम लद्दाख है, बट ऐसा व्यू मैंने इतने टाइम में आज तक कभी नहीं देखा। क्या सही व्यू था यार, क्या ज़बरदस्त व्यू था। तो यस, वही व्यू के नोट पर थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इट्स योर ट्रैवल विद DC साइनिंग ऑफ। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, मज़ेदार व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सो भाई अभी हम लोग हैं डिस्किट में और इधर बज रहे हैं 10:59 और अभी जाएगी लाइट। सो वेट करते हैं, चल 10 लाइट चली गई। ये तो रिचार्जेबल बल्ब है, मारने आने वाले कौन, क्या बोला वो, घर का पता तो निकाल। रस्ती रोकता।